योगी सरकार की उपलब्धियों में इस बार बजट सत्र भी रहा है, क्योंकि सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट 6,90,000 करोड़ रुपए का पेश किया है। बजट में क्या कुछ खास रहा, देखिए अपनी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के इतिहास में योगी आदित्यनाथ सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवा चुके हैं। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का फोकस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन करने, राज्य को अपराध एवं अपराधियों दोनों से मुक्त करने के साथ युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर है। पिछले एक साल में योगी सरकार ने तमाम ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जो प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित हुए हैं। वैसे मुख्यमंत्री योगी के एक साल में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के अगले दिन 26 मार्च को हुई पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को 3 माह का मुफ्त राशन देने का ऐलान किया। साथ ही मंत्रियों को 100 दिन, 6 माह, 1 साल, 2 साल व 5 साल की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। शपथ लेने के एक सप्ताह के अंदर ही मुख्यमंत्री योगी ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करना शुरू कर लिया। भ्रष्टाचार में लिप्त तत्कालीन जिलाधिकारी औरैया, जिलाधिकारी सोनभद्र, SSP गाजियाबाद को निलंबित कर मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के अफसरों को साफ संदेश देने का काम किया कि भ्रष्टाचार और लापरवाही किसी भी कीमत पर सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके साथ ही देर से दफ्तर आने वालों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश मुख्यमंत्री योगी ने दिए। अप्रैल माह में मुख्यमंत्री योगी ने 100 दिन में 10,000 पुलिस कर्मियों को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। विभागों को 10 सेक्टर में बांटकर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का फैसला लिया, जो कि मंदिर के निर्माण का काम पूरा होने के साथ ही शुरू हो जाएगा। हर विधानसभा क्षेत्र में 100 बेड के अस्पताल बनाने के निर्देश दिए, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया जा सके। साथ ही यूपी में बिना अनुमति शोभा यात्रा, धार्मिक जुलूस न निकालने के निर्देश जारी किए। अप्रैल माह में ही सीएम योगी ने मंत्रियों, विधायकों, अफसरों को ठेके पट्टों से दूर रहने व 3 माह के अंदर संपत्ति की घोषणा करने के निर्देश दिए। मई माह में प्रधानमंत्री मोदी ने लुम्बिनी व कुशीनगर से लौटने के बाद लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर नव नियुक्त मंत्रियों से मुलाकात कर उन्हें प्रदेश के विकास को लेकर कई गुरु मंत्र दिए। 18वीं विधानसभा के पहले सत्र में योगी सरकार ने सदन में यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया। 6,15,519 करोड़ के बजट के माध्यम से सरकार ने संकल्प पत्र की घोषणाओं को धरातल पर उतारने का काम किया। साथ ही विधायक निधि को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया। मई माह की शुरुआत में सीएम योगी ने लापरवाही के आरोप में उत्तर प्रदेश के DGP मुकुल गोयल को हटाकर तेजतर्रार IPS अफसर DS चौहान को नया कार्यवाहक DGP नियुक्त किया। जून माह में लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में किया गया। इस सेरेमनी में 80,324 करोड़ की 1,406 निवेश परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। इस दौरान देश के प्रमुख उद्योगपति अंबानी, अडानी, महिंद्रा, बजाज समेत विश्व के भी तमाम दिग्गज उद्योगपति लखनऊ में मौजूद रहे। जून माह में हाई स्कूल एवं इंटर के नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने मेघावी बच्चों से मुलाकात कर बधाई दी एवं हौसला अफजाई की। मुख्यमंत्री योगी ने बच्चों से कहा कि मेहनत कीजिए, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है। मुफ्त राशन वितरण की अवधि खत्म हो इससे पहले ही मुख्यमंत्री योगी ने योजना को सितंबर 2022 तक और बढ़ाकर गरीबों के प्रति संवेदनशील सरकार का एहसास प्रदेश को कराया। जुलाई माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित कर दिया। 296 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 14,800 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से बुंदेलखंड के निवासियों के लिए विकास के नए रास्ते खुल गए। 21 जुलाई को राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा देने का एक बड़ा फैसला लिया। अगस्त माह में ट्रैफिक व्यवस्था ठीक न कर पाने के कारण लखनऊ और कानपुर के पुलिस कमिश्नर को हटा दिया गया। इसी माह कैबिनेट मीटिंग में जेल में बंद कैदियों को अधिक सुविधाएं देने व ब्रिटिशकालीन कई कानूनों को समाप्त करने का फैसला लिया गया। सितंबर माह में हुई कैबिनेट मीटिंग में NCR की तरह स्टेट कैपिटल रीजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। SCR में लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर, कानपुर देहात, बाराबंकी, सीतापुर समेत 7 जिले शामिल किए गए हैं। अक्टूबर माह में राज्य सरकार ने प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के पंजीकरण और लोड टैक्स में 5 साल की छूट देने की घोषणा की। 17 अक्टूबर को दीपावली पर प्रदेश के 21 लाख सरकारी कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने बोनस देने का फैसला लिया।
29 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के हर जिले में साइबर थाने बनाने के निर्देश जारी किए। नवंबर माह में प्रदेश में 3 और नए कमिश्नरेट गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज बनाने का फैसला लिया गया। दिसंबर माह में शीतकालीन विधानसभा सत्र में सरकार ने 33,770 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री योगी 5 और 6 जनवरी को मुंबई गए, जहां पर उन्होंने उद्योगपतियों और फिल्मी हस्तियों से मुलाकात कर यूपी आने का न्योता दिया। जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री योगी ने बिजली बिल बकाया होने पर किसानों के बिजली कनेक्शन न काटे जाने के स्पष्ट निर्देश जारी किए। फरवरी माह में लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 33,50,000 करोड़ रुपए के 19,000 से ज्यादा MOU पर हस्ताक्षर किए गए। समिट में देश और दुनिया के दिग्गज उद्यमियों ने शिरकत की। इसी माह विधानसभा के बजट सत्र में योगी सरकार ने प्रदेश को विकास की रफ्तार देने वाला 6,90,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट सदन में पेश किया। इसी माह राज्य सरकार ने शासनादेश जारी कर शिक्षा मित्रों की सेवा अवधि की उम्र 60 साल कर दी। मार्च माह में निकाय चुनाव को लेकर OBC आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी और इसी माह हड़ताल पर गए बिजली कर्मचारी सरकार की सख्ती के बाद हड़ताल समाप्त कर काम पर वापस लौट आए। योगी सरकार ने पिछले एक साल में तमाम ऐसे निर्णय लिए हैं जो कि न केवल प्रदेशवासियों के हित में रहे, बल्कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाने के साथ ही प्रदेश के विकास को एक नई गति देने में मददगार साबित हो रहे हैं। समय के लिए लखनऊ कैमरा मैन सत्येंद्र लाइक के साथ।